हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर चावल, पके हुए चावल अगर बच जाएं तो उनका क्या यूज़ करें और कैसे करें। आज मैं आपको इन सब का इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। लेट्स गो। मैंने गरम कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो सरसों का तेल या रिफाइंड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ देसी घी लिया है। देसी घी में अच्छा लगता है, फ्राई राइस देसी घी में अच्छी लगती है। तो मैं आज बचे हुए पके हुए बचे चावल हैं उनका आज मैं फ्राई करूंगी, जिनको फ्राई राइस बोलते हैं। लेट्स गो। मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ, जीरा भी डाल रही हूँ, बोड़ा भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है तो बोड़ा भी डाल रही हूँ। उसके बाद इन सब को सुनहरा कर लूँगी। मटेरियल हमारे सुनहरे हो गए हैं। अब इसी के दौरान मैं इसमें डालूँगी टमाटर। मैंने टमाटर डाल दिया है। थोड़ा सा डालूँगी ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा पिसा मिर्चा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सब को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी चावल। मैंने चावल को फोड़ दिया है। मैंने चावल को इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये तैयार है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस इज़ रेडी। कोई कह सकता है कि ये बचे हुए चावल का ये मैंने फ्राइड राइस बनाया है? आई डोंट थिंक सो कि कोई कह सकता होगा। कैसा लगा ये फ्राइड राइस, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में पके हुए चावल बच गए हों और उनका कहीं यूज़ अगर नहीं नज़र आ रहा हो, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको ढेर सारे वजीज के साथ इनको फ्राई कर लीजिए तो ये बन जाएंगे फ्राइड राइस। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तीनों करिएगा। बाय।